हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे एक कल्ट रेसिपी, कश्मीरी मटन रोगन जोश। मैं इसे मुस्लिम स्टाइल में बनाऊंगी। इसका एक और वेरिएशन है जो हिंदू पंडित बनाते हैं। ये डिश कश्मीरी वाजवान की एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिश है। वाजवान यानी किचन दस्तरखान, एक मल्टी कोर्स मील होता है। उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश है वो ये है, मटन रोगन जोश। मुस्लिम स्टाइल और पंडित स्टाइल का एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि मुस्लिम स्टाइल में थोड़ी सी तली हुई प्याज जाती है, अदरवाइज रेसिपी बहुत सिमिलर है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कश्मीरी मिर्चों का एक पेस्ट बना लेना है। मैंने यहाँ 12 से 15 कश्मीरी मिर्चें ली हैं और मैंने उनके ऐसे सीड्स निकाल लिए हैं। सीड्स निकाल कर जब हम इन्हें पीसेंगे तो जो रंग है वो बहुत रिच आता है, बहुत गहरा रंग हमें मिलता है। मैंने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही ली हैं, इससे पीसने में आसानी होती है और बाद में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे फ्रीज कर सकते हैं और जब रिक्वायर्ड हो आप इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। सीड्स निकालने के बाद हमने इसे 200 ml पानी में, गर्म पानी में भिगा कर रख लेना है 20 मिनट तक, जब तक ये नरम ना हो जाए। अब यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप गाढ़ी दही ले लेनी है। दही थिक होनी चाहिए। अब इसमें हमें डालना है 1 teaspoon सौंठ का पाउडर, 1.5 teaspoon सौंफ का पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर और 8 से 10 ज़ाफ़रान के धागे, 1/4 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon देगी लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेना है, कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए दही के मिक्सचर में। और दही का मिक्सचर जब रेडी हो जाए इसे साइड में रख लेंगे। अब जो मिर्चें हमने भिगो के रखी थी उसका पानी स्ट्रेन कर लेना है और सिर्फ मिर्चों का हमने एक फाइन और स्मूथ पेस्ट बना लेना है। हमें इस पेस्ट की सिर्फ 1 से 1.5 tablespoon की ही ज़रूरत है, बाकी का जो पेस्ट है आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसे निकालें, यूज़ करें। कश्मीरी रेड चिली पाउडर की जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेस्ट तैयार है, हम इस साइड में रख लेंगे। अब कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है 4 से 5 tablespoon राई का तेल। ये डिश, याद रहे, राई के तेल में ही बनती है, घी या किसी और तेल में नहीं बनती। हमें इस तेल को उसके स्मोक पॉइंट तक लाना है जब तक उसमें से धुआं ना निकलने लगे। जैसे ही धुआं निकलने लगे आप गैस को बंद कर दें, थोड़ा तेल को ठंडा होने दें और फिर से हमने गैस को ऑन कर लेना है। और इसमें फिर हम डालेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग, 6 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 से 3 हरी इलायचियाँ। एक हल्का सा स्टर दे देंगे जब तक कि वो जो काली मिर्च है वो चटकने ना लग जाए। उसके बाद हमने इसमें 1 किलो मटन डाल देना है। मैंने हड्डियों वाला गोश्त लिया है, हो सके तो आप रान का गोश्त लें। इसके बाद हमने इसे अच्छे से, गोश्त को अच्छे से तेल में भूनना है कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। रोगन जोश के लिए ज़्यादातर रान का मीट ही यूज़ होता है, तो आप ट्राई करें कि आप रान का मीट ही लें बुचर से। अब फ्लेम को धीमा करके हमने इसमें कर्ड मिक्सचर जो हमने बनाया था वो डाल देना है। नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से और अच्छे से मिला कर हमने इसे ढाँक कर पकाना है जब तक जो हमारा मटन है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, बस उसे पकाना है, उसे गलाना है। बीच बीच में हमें इसे खोल कर एक मिक्स दे देना है। मटन दही के पानी में और वो खुद भी बहुत मॉइस्चर रिलीज़ करता है, उसमें वो आराम से बहुत ही आसानी से पक जाता है। तो जब तक मटन पक रहा है हम रोगन की तैयारी कर लेते हैं। सो रोगन के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें 3 से 4 tablespoon घी को गर्म कर लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हमने कम से कम 1 से 2 फूल रतन जोत के डालने हैं। मुझे यहाँ पे पीसेस मिले, मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तो मैंने पीसेस लिए हैं। आप, अगर आपको साबुत मिलता है तो आप साबुत 1 से 2 रतन जोत डाल लें। उसके बाद हमें इसे अच्छे से कुक करना है घी में 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर देना है और इसे हम साइड में रख लेंगे। रतन जोत एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर रिलीज़ करता है। तो मटन देखते हैं, मटन हमारा पका है कि नहीं। मटन बहुत अच्छी तरह से यहाँ गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon भर कर बेरिस्ता का पेस्ट यानी फ्राइड अनियन का पेस्ट और 1.5 tablespoon हमने जो कश्मीरी चिली पेस्ट बना कर रखा था वो डाल देंगे। फिर हमने इसमें जो रोगन बना कर रखा था वो छान कर डाल देंगे। अभी हम एक मिक्स दे देंगे। मिक्स देने के बाद हमने इसे ढक कर पकाना है थोड़ी देर तक। अगर ज़रूरत हो तो आप 1/2 cup पानी डाल लें। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रंग आ गया है ग्रेवी में। अब हमने इसे एक मिक्स दे देना है
मिक्स देने के बाद हम इसे ढाक देंगे और ढाकने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। सो बस ये देखिए हमारा कश्मीरी मुस्लिम स्टाइल मटन रोगन जोश रेडी है। आप यकीन मानेंगे बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस बनकर रेडी हुआ था और बहुत ही टेस्टी था। बहुत ही कम मसालों में बनता है, इसमें मसालों की मिकदार क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनकर रेडी हुआ था। रोगन जोश को चावल के साथ सर्व किया जाता है, तो इसे चावल के साथ सर्व करें और पूरी फैमिली के साथ इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस अगेन विद अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग।